अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले क्या कर रही है तू नंदिनी? फिर से तूने सारा सामान बिखेर कर रख दिया। मामा ने कब से बोला है कि होमवर्क कंप्लीट करके रख, और तू अभी तक ऐसे ही बैठी है। नंदिनी, मामा कुछ बोल रही है और तू सुन भी नहीं रही। नंदिनी, वो क्या है ना मामा, मैं शशांक पापा के साथ घूमने नहीं गई ना, इसलिए मैं देख रही हूँ कितने दिन बाकी है। ये देखो, क्या समझती अपने आप को? ए बा, शुद्ध हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो ऐसा मोड़ा क्यों उतरा हुआ है जरा? बोलने क्या हुआ, किसी ने कुछ बोला? क्या कहेगा? है ना एक संतुड़ी? क्या समझती अपने आप को? क्या? अबे शुद्ध हो? मुझे छिकाने की कोशिश कर रही थी नंदिनी के बारे में, शशांक और कादंबरी के रिश्ते के बारे में बात कर रही थी। बोलो, मेरी कद्दू बिचारी इस संदीप के कारण कितनी परेशान है, और वो शशांक की बात कर रही थी। ऐसा उसे करना चाहिए? जवाब देने बाप, उसको जो बोलना है बोलने देना। बेटा, तूने नंदिनी के बारे में कुछ सोचा है? हाँ, बेचारा ने कर संपत्ति में उसका भाग बढ़ा दिया, बैंक में भी। अरे मैं पैसे की बात नहीं कर रही हूँ, इसकी जिंदगी की बात कर रही हूँ। शशांक महीने में एक बार उसको मिलने आता है, तो उसका मन तो भर जाता है। और ये बच्ची, उसको तो उसके पिता की याद आती होगी ना? और इस संदीप भी जेल में है। ये बा, वो गधेड़े का नाम मत ले मेरे सामने, मेरा लहू उबलता है। वो शशांक को तो ज्यादा आना चाहिए ना? आगे की तुम सोच। सोचने की क्या जरूरत है बा, जमाईराज तो यहाँ महीने में सिर्फ एक बार ही आ सकते है। अदालत का आदेश जो है, नहीं, शशांक यहाँ आएगा। ए छोकरी, सुन लिया ने? कादंबरी ने बोला आएगा, इसलिए आएगा। भले फिर न्यायालय का आदेश क्यों ना हो, समझी गई ना? चल बा, मैं जाता हूँ। पर तू जा कहाँ रहा है? अरे जो ना, 10 वर्ष से कारखाने नहीं गया मैं, अपनी कर्म भूमि देखा नहीं 10 वर्ष से, इसलिए विचारा के जरा देख के आता हूँ। मैंने अरे मालिक की गाड़ी आ गई। आइए मालिक, आपकी फैक्ट्री में आपका स्वागत है। हम सभी आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बीरवा को बताया नहीं ने? नहीं मालिक, आपका आदेश था, किसी को नहीं बताया। वो नया यूनियन लीडर थोड़ा बखेड़ा खड़ा कर रहा था मालिक, तो वो वहीं गई है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आपकी कैंटीन में दिया जाने वाला खाना कचरा है, गंदा है। हम आपके लिए जी जान से हीरे तराशते हैं, और आप हमें ये कचरा खिलाते हैं? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम काम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। इतनी हिम्मत इन लोगों की है? देखो,
कोई जानबूझकर आपके खाने में कचरा नहीं डालता। जो खाना बनाता है वो भी इंसान है, उससे भी गलती हो सकती है। देखिए, कैंटीन वाले से मैं कह दूंगी कि आगे से वो सावधानी बरते। तुम लोग खाना खा लो और काम पे लौट जाओ। रहने दीजिए आप। आप बहुत बड़े लोग हैं ना, चांदी की थाली में खाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एक दिन आपको ये खाना खाना पड़े ना तो सब कुछ समझ में आ जाए। खा सकती हैं आप इसे? हाँ, खाइए खाइए। नहीं खा सकती है ना? हाँ, खुद नहीं खा सकती और हमें खाने के लिए कहती है। It's perfectly all right. थाली चांदी की हो या स्टील की, खाना खाना होता है। खाना इंसान का पेट भरता है, भूख मिटाता है। मैं बताती हूँ, यहाँ फैक्ट्री में जो भी खाना बनता है वो मैं भी खाती हूँ, घर से नहीं लाती हूँ। आप लोग जो भी खाना खाते हो वही मैं खाती हूँ। सब लोग जो खाना खाते हैं हम भी वही खाना खाते हैं। अगर हमारे घरों में एक प्लेट गंदा हो जाए तो सारा खाना फेंक नहीं दिया जाता। अगर हीरे में कोई चनक लग जाता है तो हम उसे फेंकते नहीं हैं, उसे तराशते हैं। अगर गलती से इस खाने में कचरा आ गया हो तो उस हिस्से को निकाल दो। उसके लिए पूरा खाना और कंपनी का वक्त बर्बाद करने की क्या जरूरत है? अच्छा दिख रहा है, शुभ। अच्छा पापा, पापा आप इतने सालों बाद फैक्ट्री में। हाँ दिख रहा है। मैं देखने आया था कि कहीं मेरा कारखाना मेरे घर की तरह बिखर तो नहीं गया ना। पर सारू ला क्यों? खुशी हुआ ये देख के कि मेरी दिकरी ने अपने बाप की विरासत बरोबर से संभाल के रखी है। मुझे गर्व है तेरे पे दिख रहा कि सही समय पर सही काम करना आता है तुझे। आज शाम को मंदिर में मिलो, मैं भगवान को साक्षी मानकर तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। समय हो गया है, इसी वक्त सारंग ने मूंगी को मिलने के लिए कहा था। ये दिख रहा क्या खोए गए? कुछ नहीं पापा। पापा आज का दिन बहुत शुभ है, आप इतने सालों बाद फैक्ट्री आए हैं, क्यों ना हम मंदिर जाए और दिए जलाए। हम भगवान को थैंक्स भी कह देंगे। हेलो हेलो, शुदेव यहाँ वहाँ क्या देख रही है? चल ना प्रार्थना कर। पापा आप जाइए, मैं यहाँ से प्रार्थना करती हूँ। ठीक है।
मैं यहाँ पापा को लाई हूँ ताकि सारंग और मुंगी को सबक सिखा सकूं, पर यहाँ तो दोनों में से कोई नहीं है। से आने को कहा तो था, पता नहीं वो आएगी कि नहीं। सारंग, सारंग देखो, कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस अब एक बार पापा इन दोनों को साथ में देख ले, फिर इनकी खैर नहीं। तुम्हें सबूत चाहिए ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा, कि मैं तुम्हें सच्चे दिल से अपनाना चाहता हूं। सबूत चाहिए ना तुम्हें? कम ऑन पापा, जल्दी आइए, देखिए देखिए दोनों को साथ। शो करवा चाह रहे हो तो तू किसी की मांग में सिंदूर भरने का अर्थ क्या होता है खबर है तुझे? साला। अरे तू सोच यार बदू, अंकल तू एक शब्द नहीं सुनना चाहता मैं। मैंने पूछा था ना तुझे ये मन में कोई बात है तो बोल, पर तू बोलियो नहीं। सबके सामने तूने मेरी दिकरी का हाथ स्वीकारा, अने तू, तुझे खबर थी कि इसका संबंध बिरवा से जुड़ने जा रहा है, वो भी तूने ये अबे, ये जो अनर्थ किया है तुम दोनों ने, इसका उत्तर पूरे परिवार के समक्ष देना होगा तुम दोनों को। चलो वे बता, केम किया ऐसा? यहां घर में तेरे या ने बिरवा के संबंध की बात चल रही है, अने वहां मंदिर में तू मुंगी को सिंदूर लगाने चला था, लेकिन तेरे पिता के सामने तुझसे पूछा था ना कि मन में कोई बात हो तो बोल, तब क्यों नहीं बताया? तू छोकरी शरम ना आवी नहीं तने? तूने फक्त मैयावंशी परिवार के मान को ठेस नहीं पहुंचाया और बिरवा के साथ भी विश्वासघात किया है। उसके साथ विश्वासघात किया जिसने जिसने तुझे सिखाया, अपने कारखाने में रखा। चलो बताओ, अरे किससे पूछ रहा है नानका तू? ये छोटे लोग ऐसे ही होते हैं। जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करने की पुरानी आदत है इन लोगों की।
इसकी दो बहनों ने जो किया ना, उसके बाद इससे यही उम्मीद की जा सकती है। संस्कार में ही खोट है इनके। अरे संतु ने जो किया वो किया, मैंने जो किया उसका प्रायश्चित मैं जन्म में कभी नहीं कर पाऊंगी। एक तेरा ही तो सहारा था मुंगी, और तूने इसे क्यों किया? आज तूने जो कुछ भी किया है ना मुंगी, उससे हमारे खून पर, हमारे संस्कार पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया इन लोगों को। एक हाथ की पांचों उंगलियां एक समान नहीं, पर आज तूने इन लोगों को कहने पर मजबूर कर दिया। ये सब छोटे घर की लड़कियां एक जैसी होती है, और आज मैं इन लोगों को ये कह भी नहीं सकती कि हम छोटे घर की लड़कियां ऐसी नहीं होती। क्यों किया, क्यों किया तूने ऐसा मुझे? बोल, क्यों फिरवा के खुशियां छीनी तूने? बोल, क्यों किया तूने ऐसा? क्योंकि क्योंकि मैं सारंग से प्यार करती हूँ। ने जो कुछ भी कहा उसे आप सबने सुन लिया है, पर सारंग मैं तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहता हूं। मेरे शब्द मोंगी से अलग नहीं है, मैं मोंगी से प्यार करता हूं और उसी से शादी करना चाहता हूं। बात साफ हो चुकी पापा कि मुंगी बिरवा और सारंग के बीच नहीं आई थी, वो तो बिरवा ही इन दोनों के बीच आ गई थी। देखिए इन्हें पापा, ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और इन्हें अलग करने का अधिकार हम में से किसी को नहीं है। और अगर हमने ऐसा किया ना पापा, तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। लगन इन दोनों का होना चाहिए, ना ही कि बिरवा और सारंग का। और बिरवा का बड़ा भाई होने के नाते ये सब मैं बिरवा के भले के लिए कह रहा हूं। एक बात आप ही सोचिए पापा, कि अगर कल तो हमने अगर बिरवा और सारंग की शादी करवा दी हो और ये सच तब जाके सामने आता तो हम क्या करते? तब एक नहीं तीन तीन जिंदगी हम बर्बाद कर चुके होते और कुछ नहीं कर पाते। और मैं नहीं चाहता कि इस कल का सामना इन तीनों में से किसी को भी करना पड़े, इसीलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। और कोई माने या ना माने, लेकिन मैं अपनी बहन की शादी ऐसे इंसान से नहीं करवा सकता जो उसे नहीं किसी और से प्यार करता। तो क्या बोल रहा है? ठीक ही तो कह रहा हूँ मैं। कौन किससे लगन करना चाहता है, कौन किससे प्यार करता है, ये तय करने का अधिकार हम लोगों में से किसी का नहीं है। ये जिंदगी इनकी है, ये खुद तय करेगा कि इनको किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं। बताइए पापा, क्या मैंने कुछ गलत कहा? मैं तो पापा को मंदिर इसलिए लेकर गई थी कि इन दोनों को दूर कर सकूं, पर यहाँ तो सब उल्टा हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पापा इन दोनों की शादी करवा देंगे। हितेन बराबर बोल रहा है, किसको किसके साथ लगन करनी चाहिए ये उनका निजी मामला है, बाहर वालों को उसमें बोलने का कोई अधिकार नहीं। तो दिख रहा है ये बात तूने पहले बोल दिया होता ना मुझे तो अच्छा होता, और मान दो नहीं है मैं, मुझे भी ये सब बात जरा जान लेने की आवश्यकता थी जो मैंने नहीं किया, इसलिए भूल मेरी भी जो हो सके तो मुझे। अरे अंकल आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, आपकी जगह शायद कोई भी पिता होता तो वो यही करता। असल में गलती तो मेरी है, जिस दिन बिरवा ने मुझे हाँ कहा था मुझे मुझे समझ में ही नहीं आया कि कैसे रिएक्ट करूं। शायद अगर उस दिन हिम्मत कर लेता तो आज आज ये नौबत नहीं आती। थैंक्स अंकल, आपने आपने हम दोनों को समझा। पांचों उंगलियां एक जैसी भले ही ना हो, लेकिन मेरी मुंगी सच में सबसे अलग है।
और रही बात मुंगी के लगन की, तो वर्षों पहले मैंने नाना जी को वचन दिया था कि उनके घर की जिम्मेदारियां मैं लूंगा, इसलिए मुंगी की लगन की तैयारी मैं करूंगा। जो दिख रहा है एक बात भूली गया तू, यह है फक्त हमारे घर का मामला नहीं, इतने जो भी करना है आगे जो निर्णय लेना है वो सारंग का परिवार अने मुंगी का परिवार लेवे तो बराबर रहेगा। ठीक ही कहा मालिक ने, ये निर्णय मुंगी के घर वालों को करना चाहिए और उसकी बड़ी बहन होने के नाते ये निर्णय मैं करूंगी।